अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल इजी ऑटोकैड सॉल्यूशन में खुश आमदेद कहते हैं। ये चैनल सीखने सिखाने का चैनल है। कुछ आप हमसे सीखेंगे और कुछ हम आपसे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो ज़रूर अपनी पसंद का इजहार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और अगर आपको हमारी पोस्ट में कुछ कमी महसूस हो तो ज़रूर इसका भी इजहार कमेंट्स करके करें ताकि हमारी इसलाह हो। इजी ऑटोकैड सॉल्यूशंस की जानिब से बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आप लोगों को एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। दोस्तों, शुरू करते हैं सेशन नंबर 7। पहली कमांड डिवाइड। डिवाइड कमांड करते हैं, फिर इसमें बाद में हम देखेंगे डिवाइड में और मेजर में क्या फ़र्क होता है। टाइप करें DIVID, डिवाइड। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं आ जाता हूँ 10। 10 क्या है? नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं। एंटर। अभी हम इसको देखेंगे, कोई फ़र्क हमें महसूस नहीं हो रहा। हम ये लाइन को इरेज करके देखेंगे क्या है इसके पीछे। इरेज किया हमने, देखें नज़र आ रही होगी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट्स। अब हम उसको वापस लेके आते हैं लाइन को, ऊप्स की कमांड से। आप लिखते हैं DDP टाइप। देखिए अभी डॉट आ रहा है इसके अंदर, हमें क्रॉस कर देंगे तो विजिबल हो जाएगा। ये देखें, डिवाइड में हमने 10 लिखा था तो 10 पीसेज में उसने डिवाइड कर दिया है, 10 हिस्सों में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में डिवाइड हो गया। अब ये कमांड हम मेजर में अप्लाई करते हैं, MEASURE, मेजर। सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, हमें लिखते हैं 10। अब आप देखें, ये सन ही है बल्कि ये 10 के हिसाब से, ये 10 20 30 40 50 60 70, इसने 10 10 के हिसाब से इसने मार्क कर दिया। अगर मैं इसकी लिस्ट ले लूँ लाइन की 184 के हिसाब से इसने लाइन ड्रॉ की है, और ये भी 184 के हिसाब से लाइन ड्रॉ है। तो इसने क्या किया, 10 10 के हिसाब से इसने डिवाइड कर दिया इसने। अगर मैं इसका डिस्टेंस लूँ, इस कहलाता है नोड, डिस्टेंस लूँ नोड टू नोड, DIST डिस्टेंस, NOD नोड, ऑपरेट अगेन नोड, क्या आ रहा है हमारा 10। इसमें क्या था, ये 10 हिसाब से इसने किया, 1 2 3 10 पीसेस में किया है। इस डिवाइड में और मेजर में फ़र्क यही है। डिवाइड और मेजर में जो नोड आपके सामने नज़र आ रहे हैं, इसको आपने इस्तेमाल करने के बाद, मार्किंग लगाने के बाद, काम करने के बाद डिलीट कर देना। अदरवाइज क्या होगा, आप जैसे इसको बड़ा करेंगे, जूम करेंगे, ये मार्क भी जूम होते जाएंगे और छोटे होते जाएंगे और बड़े होते जाएंगे। अगर मैं इसको जूम आउट करूँ तो आप देखिएगा लाइन कितनी बड़ी हो गई, तो आपके प्रिंट में भी ये विजिबल होंगे। इसलिए जब भी आप काम फारिग हों तो इसको डिलीट कर दें। हमारी अगली कमांड है चैम्फर। आप ही कॉर्नर देख रहे होंगे चैम्फर हुए हैं, ये कैसे हुआ है ये हम देखते हैं। टाइप करें चैम्फर, CHAMFER, चैम्फर। इसमें काफ़ी ऑप्शन आ रहे होंगे, पॉलीलाइन, डिस्टेंस, एंगल, फ्रेम मेथड, हम एक एक करके देखते हैं। हम पहले सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को, क्या ये पॉलीलाइन से कैसे चैम्फर होता है। सेलेक्ट करें हम लाइन, अभी देख रहे होंगे लाइन सेपरेट नहीं है, पॉलीलाइन होती है एक लाइन। तो अगर मैं किसी भी एक साइड पर क्लिक करूँ तो वो चारों साइड एट ए टाइम सेलेक्ट हो जाएँ, लेकिन ये सेपरेट लाइन है। तो अभी हम एक इसको स्किप करते हैं पॉलीलाइन को, हम ये इसको अगले इसमें देखेंगे डिटेल में। हम डायरेक्ट करते हैं चैम्फर में, जाते हैं डिस्टेंस, इसमें वैल्यू देते हैं हम 5। एंटर। फर्स्ट डिस्टेंस हमने दिया, सेकंड डिस्टेंस देते हैं 5। एंटर। अब लाइन सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन, फिर सेकंड लाइन को हम देखते हैं, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। ये आप देखिए, आप एक एक करके कॉर्नर्स आपके चैम्फर हो रहे हैं। इस चैम्फर के देखकर 5x और 5y में हम सेम शेप ले आए हैं चैम्फर की कमांड के मेथड। चैम्फर का और ऑप्शन देखते हैं, CHAMFER, चैम्फर। इसमें आप देख रहे हैं एंगल,
एंगल में क्लिक करते हैं, हम देखते हैं हम 15 एंगल बाय डिफॉल्ट ड्राइवर है, मैं इसको कम कर देता हूँ, 12 कर देता हूँ, एंटर, और इसको एलवीडी एंटर कर देते हैं। आप देखें ये एंगल कैसे चैम्पर करता है, मैंने इसने टिल्ट कर दिया। इसी तरह आप दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसके अंदर और लाइन को ट्राई करते हैं, इसी तरह आप इसको देखते हैं, इसे टिल्ट कर दिया। एंगल के थ्रू भी हम चैम्पर कर सकते हैं, हर दफा हमें बार बार सेलेक्ट करना पड़ता है कमांड को। तो हम अगर इसमें एक ऑप्शन है अभी देखते हैं, अगर हम एक्टिवेट कर लें तो हमें बार बार लाइन्स को समय सेलेक्ट करने के लिए शैम्पर टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टाइप करते हैं शैम्पर कमांड फर्स्ट टाइम, शैम CHAMFER शैम्पर, इसमें ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको मल्टीपल का, हम इसको प्रेस करते हैं। अब हम सेलेक्ट कर रहे हैं 1, 2, 9। अच्छा आप देखें इसमें इसने वैल्यू क्यों नहीं चेंज की, तो हमने इसमें डिस्टेंस टाइप नहीं किया हुआ, हमें डिस्टेंस चेक कर लेनी चाहिए। पहले हम डिस्टेंस दे देते हैं 5, 5। अब आप मल्टीपल ऑप में आते हैं, क्लिक किया आपने, आप एक लाइन पिक करें आप, फिर सेकंड लाइन को पिक करें आप, थर्ड। अब आपको बार बार कमांड टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ये मल्टीपल का ऑप्शन एक्टिवेट करने के बाद हमें ज़रूरत नहीं पड़ती बार बार शैम्पर हम टाइप करेंगे। अगर हम चाहेंगे एक क्लिक पर चारों कॉर्नर्स हमारे शैम्पर हो जाएँ, तो उसके लिए ज़रूरी कि हमारी चारों लाइन एक साथ ज्वाइन हो। ठीक है, हम रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं, इस पर हम शैम्पर अप्लाई करते हैं, CHAMFER शैम्पर। पहले हम चेक कर लेते हैं डिस्टेंस में है वैल्यू के नहीं मौजूद, हमने एंटर किया वैल्यू है। अब इसमें जाते हैं पी लाइन में, पॉली लाइन, आप कहीं भी क्लिक करेंगे चारों देखें आप कॉर्नर शैम्पर होगा। इसमें उसमें क्या पड़ता है, हमारी ये जो बॉक्स है ये पी लाइन से बना हुआ पॉली लाइन, और जबकि ये हमारा सेपरेट लाइन है, इस वजह से हम ये 1x1 कर रहे थे, और हमारे ये 1 क्लिक पे शैम्पर हो गया। इन दोनों में ये बड़ा फ़र्क है, मेन डिफरेंस। अगली कमांड है फ्लिट, इसमें और शैम्पर में फ़र्क क्या है देखते हैं, फिर हम इसको दोनों का कंपैरिजन करेंगे साइड बाय साइड। आप कमांड देख रहे हैं फ्लिट, इसमें कर्व है कॉर्नर्स को कर्व किया गया है, कैसे कर्व किया है फ्लिट में जाएँ FILLET फ्लिट। इसमें ऑप्शन आ रहा है पॉलीलाइन रेडियस फ्रेम, हम इसमें रेडियस में देखते हैं क्या रेडियस 5 डालते हैं, सेलेक्ट करते हैं लाइंस को, ये कर्व आ गया आपका कितनी आसानी से। आगे देखते हैं जितना आपको बड़ा रेडियस चाहिए कर्व चाहिए उतना बड़ा रेडियस डालेंगे आप। इसी तरह फ्लिट में जाके दोबारा देखते हैं, अगर आपको इसमें पॉलीलाइन के थ्रू करना है एक ही क्लिक पे चारों कॉर्नर्स को फ्लिट करना है, कर्व डालना है, आर्क लगाना है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आपका रेक्टेंगल शेप जो है वो एक होने चाहिए, इसे रेडी फ्लिट में जाए FILLET फ्लिट। आपने रेडी चेक कर लिया 5 है, ओके, आपने पॉली लाइन सेलेक्ट किया, आप कहीं भी क्लिक कर दें चारों लाइन एक साथ पिक हो जाएंगी। फ्लिट का और ऑप्शन देखते हैं, फ्लिट में जाएं, इसमें एक ऑप्शन है ट्रिम, इसमें हम देखते हैं क्या होता है। हम एक और रेक्टेंगल देखते हैं, रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं, हम चाहते हैं कि फ्लिट में ये कॉर्नर अपनी जगह पर है और फ्लिट भी लग जाए। फ्लिट में गए, ट्रिम में गए, नो ट्रिम, आप सेलेक्ट करें, आप कॉर्नर देख रहे हैं कॉर्नर कर्व आ रहे हैं और ये भी अपने कॉर्नर्स ट्रिम नहीं कर रहे, कर्व आके ट्रिम भी नहीं कर रहे। हम अगर चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन है मल्टीपल का, अब हमें बार बार सेलेक्ट करना पड़ा फ्लिट, जिस तरह हमें शैम्पर में भी किया था। अगर हम इसको दोबारा रेक्टेंगल बना लें, फ्लिट में जाएँ, मल्टीपल क्लिक कर लें आप, तो हम 1 टाइम ही करके इसको 1 सेलेक्ट किया हमने, अब हमें बार बार फ्लिट कमांड रिपीट नहीं करनी पड़ रही। आप जानो स्क्रीन पर दो लोगों का कंपैरिजन
दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। शैम्फर और फ्रेड में क्या फ़र्क है, हम शुरू करते हैं शैम्फर से, CHAMFER शैम्फर। अब मैं चाह रहा हूँ ये आपके शैम्फर को स्ट्रेट रेक्टेंगल शेप में करने के लिए, तो डिस्टेंस में जाएंगे हम, तो ज़ीरो दे देते हैं, दोनों ज़ीरो। लाइन्स को सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए आप लाइन वहाँ पर अपनी पोजीशन पे आ रही हैं, ये देखिए सेम मैं प्रोसेस फ्लेट में करता हूँ। फ्लेट में जाएं FILLED फ्लेट, इसमें जाएं आप रेडियस ज़ीरो करें, सेलेक्ट करें लाइन्स को, देखें आप टाइम दोनों फ्लेट के थ्रू भी हो गया और शैम्फर के थ्रू भी लाइन अपनी सी पोजीशन पर आ गई जिसमें पहले थी। शैम्फर की कमांड और फ्लेट की कमांड में देखते हैं क्या फ़र्क है। शैम्फर में जाएं, फिर डिस्टेंस में जाएं, हम यहाँ वैल्यू देते थे डिस्टेंस, सब 5 दे दिए हमने, सेलेक्ट कर लेते हैं लाइन को हम, ये शैम्फर हो गया। अब फ्लेट में आते हैं FILLED फ्लेट, इसमें रेडियस लेते हैं 5 ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लें, फ्लेट कर दिए थे, वहाँ हम डिस्टेंस दे रहे हैं, यहाँ हम रेडियस ले रहे हैं, इन दोनों में ये फ़र्क है। दोस्तों आपको शैम्फर और फ्लेट में फ़र्क भी समझ आ गया होगा कि जहाँ मैं स्ट्रेट लाइंस को एंगल शेप में टिल्ट करनी हो लाइन, इस तरह ये लाइन आई भी आपके सामने शैम्फर में, तो हम शैम्फर यूज़ करेंगे, और कर्व चाहिए तो फ्लेट यूज़ करेंगे। और अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें तो आपको इससे क्लियर हो गया होगा दोनों में क्या बिग डिफरेंस है। दोस्तों अगला सेशन हमारा होगा 8, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, सीखेंगे सॉल्ट की कमांड, डोनट की कमांड, कॉपी क्लिप की कमांड, कट क्लिप एंड कॉपी बेस की कमांड। इस सेशन में हमारा एक नई चीज़ भी होगी, हमें जितनी पिछले सेशन की कमांड की वो भी डिस्प्ले पे लगाऊंगा और उसका एक लिंक भी दूंगा, जिसको आप कॉपी पेस्ट करके उस सेशन में डायरेक्ट जा सकते हैं और उसको रिवाइज कर सकते हैं जितनी हमने पिछली कमांडें अब तक की हैं, ताकि हमें अब आसानी उसको अप्लाई करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। उस क्योंकि अब हम काफ़ी कमांड कर चुके हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इस सेशन में हम 40 कमांड कर लेंगे, इसमें 5 है पिछली कमांड 35 की, तब आप 5 प्लस कर रहे हैं 40 कमांड हो जाएंगी, तो अब हमें जो है पिछली कमांड में याद रखने में थोड़ी दुश्वारी पेश ना आए, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि हमारे स्क्रीन पे तमाम पिछली कमांड डिस्प्ले हो, ताकि हम रिवाइज करने में आसानी, हमें चीज़ सामने नज़र आए तो हम उसको रिवाइज कर सकें और उस सेशन में डायरेक्ट जा सकें जो सेशन पहले कर चुके हैं, तो इस चांस को मिस ना कीजिएगा। क्योंकि इस तरह की आपने प्रोग्राम शायद ही कहीं देखा हो, जो इस तरह के वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हों, इसी ऑटोकैड सॉल्यूशन आप लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को तलमकान कोशिश करें कि आप लोग ऑटोकैड इजीली सीख सकें और इसको अपनी लाइफ में ज़िंदगी में आसानी के साथ अप्लाई कर सकें। दोस्तों जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, सेशन 8 कमांड्स 40 of 250। इस सेशन में आप देखें स्क्रीन पे मैंने तमाम वो कमांड जैसे कि मैंने जिक्र किया डिस्प्ले कर दी, सेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब तक जितने सेशन कर चुके हैं तमाम कमांड डिस्प्ले कर दी। आपको क्या करना है, इसको सर्च करने के लिए अगर कोई कमांड का जिक्र आ रहा है, जैसे पेन, अगर आप पेन इस्तेमाल नहीं करना जान रहे हैं, आप भूल गए हैं, पेन में नहीं आ रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं है, आपने सिंपल क्या करना है, सेशन 3 में जाने के लिए आपको करना पड़ेगा ईजी ऑटोकैड सॉल्यूशंस सेशन 3 कमांड्स 15 of 250। ये आपने कॉपी पेस्ट कर देना, टाइप करके आपने सर्च कर देना, डायरेक्ट उस सेशन पे चला जाएगा, आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं स्ट्रेच की कमांड, भूल गए आप कि आपको स्ट्रेच नहीं करना आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन हो गई कोई वजह से आप रह गया, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने देखना है सेशन 5 है, आपने लिखना है इजी आउटकट सॉल्यूशंस
जैसे मैंने लिख दिया है, सेशन 5 कमांड्स 25 ऑफ 250, तो ये ऑटोमेटिकली आपके सेशन 3 में चला जाएगा और आपको बता देगा कि भाई सेशन 3 में ये कमांड की वीडियो मौजूद है, आप इसको आराम से दोबारा देख के इसको अप्लाई कर लें और अपना रिफ्रेश कर लें। इसी तरह आप लाइन की कमांड है, इरेज की कमांड है, कॉपी कमांड है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है, लिस्ट की कमांड है, तो आप सेशन डालेंगे ऑटोमेटिकली वो सेशन पे आपको लेके जाएगा। अब ये मैंने सिलसिला इसमें ऐड करना शुरू किया, मुझे एहसास हुआ कि शायद आप उस कमांड, क्योंकि इतनी तेज़ी से हम जा रहे हैं, 5 कमांड ईच सेशन है, तो उसके तहत कोई कमांड आप जहन से निकल गया है, तो मैंने कोशिश की कि उसको इस तरह पूरा कर सकूँ, कोई गैप ना आ जाए मेरे दोस्तों को, मेरे शागिर्दों को जो सीख रहे हैं। तो अब हम देखते हैं सॉलिड डोनेट कॉपी क्लिप कट क्लिप कॉपी पेस्ट इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सेशन A7 में क्लोज करता हूँ और नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन कीजिएगा और इसे फ़ायदा उठाएं। और ये जब तक ये वीडियो आप देखते रहेंगे, आपको ये याद रहेगा कि कौन सी कमांड हमने की थी, किस सेशन में की थी, इसलिए इस सेशन में मैंने ये ऐड किया है। दोस्तों डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू।